नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फिक्स डिपॉजिट के लिए एक अच्छा अपडेट आया है, जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन्स के लिए वी केयर डिपॉजिट नाम की स्कीम लाई है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप ये स्कीम का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हो। तो ये एप्लीकेबल हो रहा है 12 मई 2020 से। आइए लेते हम इस बारे में डिटेल में जानकारी। तो यहां पे हमको दिख रहा है, आप अगर सीनियर सिटीजन हो तो 12 मई 2020 से अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए फिक्स डिपॉजिट रखी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.5%। पहले आपको मिलता था 6.2% का, वो अब मिलेगा 6.5%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सीनियर सिटीजन्स को 5 साल के ऊपर अगर फिक्स डिपॉजिट रखनी है तो स्टेट बैंक में रखे, क्योंकि वहां उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। हम आपको बता दें, IDBI बैंक है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो भी इंटरेस्ट जो है वो 6.2% 6.3% ऐसा दे रहे हैं। फिलहाल जो प्राइवेट बैंक की हम बात करें, जो है HDFC है, ICICI बैंक है, ये बैंक जो है ये 5 साल के ऊपर अगर सीनियर सिटीजन पैसे रखते तो 6.5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो स्टेट बैंक ने भी प्राइवेट बैंक से कंपटीशन करने के लिए ये स्कीम लाई है, ऐसा माना जा रहा है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपको फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखने, वो भी ऐसे रिलायबल बैंक से जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो आप स्टेट बैंक को चुनो, क्योंकि ये आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि 5 साल के ऊपर ही आपको पैसे रखने हैं। अगर आपने 5 साल के अंदर अगर आपने पैसे विड्रॉ करे तो आपको जो पेनाल्टी लगेगी वो हेवी है। आप अगर 1 साल के अंदर अगर पैसे विड्रॉ करते हो तो आपका 1.5% ऑफ डिपॉजिट बैंक कट करने वाली है। अगर आप दूसरे साल में विड्रॉ करोगे तो बैंक आपका 1% डिपॉजिट कट करेगी, डिडक्ट करेगी। मतलब कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपका गुजारा सिर्फ इंटरेस्ट पे चल रहा है तो फिर आप ये स्कीम ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पैसे की घड़ी घड़ी जरूरत पड़ रही है तो आप ये स्कीम में ना जाओ, क्योंकि आपको वी केयर डिपॉजिट आपको नुकसान दे सकती है। आपको ज्यादा टाइम के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, आपका गुजारा अगर इंटरेस्ट पे है तो ही आप ये स्कीम लो, ऐसा हम आपको एडवाइस करेंगे। आइए जानते हैं बाकी जो डिपॉजिटर्स है जिनकी उम्र 60 साल के अंदर है, उनके लिए SBI ने इंटरेस्ट रेट जो है उसमें कटौती करी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो अगर आप 60 साल के अंदर हो तो आपने अगर 45 डेज तक अगर फिक्स डिपॉजिट रखा तो पहले आपको मिलता था 3.5%, वो आप मिलने वाला है 3.3% ही। 179 डेज तक आप रखते हो, पहले आपको 4.5% मिलते थे, अब आपको मिलेंगे 4.3%। आप अगर 210 दिन तक रखते हो तो आपको पहले मिलते थे 5%, अब मिलेगा 4.8%। मतलब ओवरऑल बैंक ने क्या करा है, 0.20% से डिडक्शन किया है इंटरेस्ट रेट में। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि 5 साल के ऊपर भी आप अगर पैसे रखते हो, लेकिन आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, आपकी उम्र 60 साल के अंदर है, 60 साल के अंदर है, तो आपको 5.7% पहले भी मिलता था, अब भी उतना ही मिलने वाला है। 3 से 5 साल भी आप रखोगे तो पहले भी आपको 5.7% मिलता था, अब भी 5.7% ही मिलने वाला है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आप कम पीरियड के लिए पैसे रखते हो, मान लो 46 डेज के लिए, तो पहले आपको 4% मिलता था, अब मिलेगा 3.8%। पहले आपको 180 डेज के लिए मिलता था 5%, अब मिलेगा 4.8% अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो। पहले 210 दिन तक अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो, आप सीनियर सिटीजन हो, पहले आपको 5.5% मिलता था, अब आपको मिलेगा 5.3%। मतलब इन्होंने 0.20% की कटौती सीनियर सिटीजन्स के इंटरेस्ट रेट में भी करी है। लेकिन आप अगर 3 से 5 साल तक फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो पहले आपको 6.2% मिलता था, अब भी वो आपको 6.2% ही मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन्स को कोई नुकसान नहीं है अगर 3 साल के ऊपर फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो, और अगर 5 साल के ऊपर अगर रखते हैं तो उनको वी केयर डिपॉजिट स्कीम मिलने वाली है। वी केयर डिपॉजिट स्कीम की अगर बात करें तो ये स्कीम आपको
अवेलेबल है, 30 सितंबर 2020 तक ही आप ये स्कीम ले सकते हो। ध्यान रखिएगा ये स्कीम आप 30 सितंबर 2020 तक ही ले सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट SBI स्टाफ के लिए है वो 1% है, इसका अपने को कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये स्कीम है SBI की सीनियर सिटीजन्स के लिए, ये स्कीम का नाम है वी केयर और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये 30 BPS का आपको प्रीमियम मिलने वाला है, एडिशनल प्रीमियम अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो। एनीवे, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। आप घर से बाहर जब जरूरत हो तो ही निकलना। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।